तो ये जो आप में है वो क्या है? वो एक कला है। कोई भी व्यक्ति आपके माइंड की बात नहीं पढ़ सकता। और आई फील चीटेड और ओपनली बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए ये अगर आप लोग इनको मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी इनको नहीं बोलता और ये मानेंगी, जिसमें मैं तो दो तीन दिन तो मुझे खुद बड़ी परेशानी हुई कि मीडिया भी इनकी भक्त बन गई थी। अगर आप सुहानी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले ले तो इनके सारी चीजें फेल हो जाएंगी। देखा अभी हिलाया था ना इसने। इसका जवाब कौन दे सकता है शैली, आप मुझे बताओ। सबसे पहले मैं जो भी बोलूंगा मैं देशद्रोही नहीं हूँ। जो लिखे वो उन्हीं के पास वहीं तक। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है। तो बेसिकली ये जो सब है ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फायदा उठाना, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना। एबीपी न्यूज ये कर क्यों रहा है? आज सुहानी हमारे सामने क्यों है? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल आपको लग रहा है कि तो आसमानी ताकत है, आज उस राज से पर्दा हटाएंगी सुहानी। बाबा के तमाम दावों का, उन सब का आज लाइव टेस्ट होने वाला है। आकाश नायक तर्कशास्त्री है, रैशनलिस्ट है, कपिल कक्कड़ साहब मनोचिकित्सक है एंड बॉडी लैंग्वेज रीडर भी है। वो जो इलाज वाली बात, और आज इलाज का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुहानी ने 9 साल ये इलाज वाला जो खेल चल रहा है इसकी भी प्रैक्टिस की है। मैं आई थिंक 16 साल की थी, मैं राजस्थान में एक जगह कोटा, हाँ कोटा में मेरे शोज चल रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले कि बहुत बीमार है और चाहते हैं, उनका भाई बहुत बीमार है और वो चाहते कि मैं उनके घर जाऊं सिर्फ उनके भाई के सर पे हाथ रखने, कि आपके अंदर जो शक्ति है आप बस हाथ रखिए उस पे, हमें भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं भी नहीं बोली है, उनके परिवार के सदस्य मेरे पास आके मुझे बोल रहे। और एक ट्रू स्टोरी इन कोटा, ये मैं 16 साल की थी तब शो कर रही थी वहां पे, तब की बात है, 16 या 15 की होंगी तब की बात है। और मैं उनको बैठ के उस वक्त मेरे पास दो राह थी, या तो मैं उसके घर पर चली जाती, मैं हाथ रखती। आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस, ये कोई आपको वैज्ञानिक या कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आप लोग यहाँ बैठो, यस और नो में मुझे जवाब देंगे कि आपको लगता है मैं अगर उसके घर जाती और उस वक्त मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया होता, उनको अच्छा लगता या नहीं लगता? उनके भाई को लगता कि नहीं लगता? और उनके चेहरे पे एक स्माइल और उम्मीद आती कि नहीं आती? 20% जो साइकोलॉजिकली वो बीमार थे वो ठीक होते या नहीं होते? यार तो कॉमन सेंस है ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं तो ये जो कहते हैं कि दैव्य शक्ति है, कल से मेरे पास ऐसे 15 कॉल आ गए हैं। और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, उसमें जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति से सुहानी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े आश्रम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सुहानी में तो दैव्य शक्ति है। दैव्य शक्ति आप में? आप देश को देखिए और बताइए कि क्या आप में दैव्य शक्ति है। हाँ, अगर मेरे में दिव्य शक्ति है तो मैं क्यों उसे स्वीकारूंगी नहीं? तो ये जो आप में है वो क्या है? वो एक कला है, वो एक प्रैक्टिस है। मैं खुद ये दैव्य शक्ति नहीं है। ये दैव्य शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके माइंड की बात नहीं पढ़ सकता। अगर वो कर रहा है तो वो एक कला है, और वो एक कला है। क्या ये कर सकती है जो सुहानी कर रही है? 100% कर सकते हैं, पर एक फर्क आ जाता है ना, ये जो सवाल है वो अलग तरीके से। ये तो ऐसी बात हो गई कि शाहरुख खान जो एक्टिंग कर रहा है तो क्या वो ये व्यक्ति शाहरुख खान वाली एक्टिंग कर सकती है? कर सकती है, लेकिन शाहरुख खान का जो इतना सालों का एक्सपीरियंस है वो अभी तो नहीं आएगा ना। हाँ करेंगे प्रैक्टिस, आ जाएगा। तो बस वो फर्क है। एनी आर्ट, कलाकार क्या होता है, जब वो करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है, उससे उसका आर्ट बेटर होता रहता है, बेटर होता रहता है। मैं 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, अगर 25 साल बाद भी अगर आज मैं अच्छी नहीं बनी तो मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा तो सुहानी को पाठशाला शुरू कर देनी चाहिए ना। हाँ तो तुम पाठशाला कब शुरू कर रही है सुहानी? फिर माइंड रीड करने की कक्कड़ साहब, पाठशाला तो हो ही सकती है। बोल रही है वो जो आपके जो बाबा जी सनातन, ये जो है मैं भी सनातनी हूँ और आई फील चीटेड कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द स्क्रीन, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ओपनली बेवकूफ बना रहे हैं। और बहुत इसे ही ना यंग मैन, ये भी 25-26 साल के, इनको किसी ने चाबी दे दी, इनको समझ नहीं आ रहा टेक्नोलॉजी की एज है, आदमी 2 मिनट में पकड़ा जा सकता है। देखिए बाबा वगैरह जो भी है बट इज अ यंग मैन, तो किसी ने इनको चाबी कर दी, इनको लगा कि मैं ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। पर सुहानी की एक बात है, ये सच बोल रही है। देखिए ये अगर आप लोग इनको मेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी इनको नहीं बोलता और ये मानेंगी,
ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये माइंड रीडर नहीं है, ये बेसिकली चीजों को किस तरह, एंड दैट इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आप जेम्स रैंडी को कभी पढ़ें, हाँ। या आपके दर्शक गूगल करें जेम्स रैंडी को, इन्होंने 1964 में $1,000 का इन्होंने प्राइज मनी रखा था। जितने थेरेपिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट साइंस, मैंने भी ऑकल्ट साइंस पढ़ी हुई है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक किताब लिखी थी 2000 में, 99 में, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस फ्रॉम भगवद गीता, तो उसमें 7-8 लैंग्वेजेस में है, तो बहुत सारे लोगों के मुझे आए। तो एक बार एक औरत आई मेरे पास, मुझे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में मेरी सिस्टर का मर्डर हो गया है, और जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, पर वो हर रोज मेरे सपने में आती है, एंड शी वॉज लुकिंग एट मी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, कि मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हूँ। वो 2-3 सेशंस मैंने दिए, फिर उनका आया कि वो फिर कल रात को आई थी। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आज से नहीं आएगी। हा? और नहीं आई, क्यों? क्योंकि अभी सुहानी ने आंसर दिया, इट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट? हाँ, प्लेसिबो इंपैक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि आप अगर मेरे पास पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा, वो श्रद्धा आपने अपने अंदर खुद ही पैदा करी है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो हो जाएगा, तो 90-95% चांसेस है हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस है बाहर अफ्रीका में। मैं एक और चीज आपको बताता हूँ ठाकर साहब, एक सेकंड। हाँ। बस वो कुल मिलाकर सनातन के ही एक एग्जांपल को मैं कोट कर लेती हूँ। हनुमान जी के अंदर की शक्तियों को उन्हें याद दिलाया जाता था। हाँ। तो कुल मिलाकर आप एक दफा बस उनको कहते हैं यू कैन डू इट, बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजी का बेसिस क्या है? साइकोलॉजी का बेसिस है एवरी इंडिविजुअल इज रिसोर्सफुल। हर इंडिविजुअल में अपने आप को, परेशानियों को हल करने की ताकत है। थैंक यू सो मच कक्कर साहब। सुहानी, इन चीजों को बहुत बहुत सरल शब्दों में देश की जनता के सामने रखने के लिए मैं फिर बता रही हूँ, इतने मैसेजेस, इतने कॉल, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो ये कह रहे थे कि सुहानी का नंबर दे दीजिए और सुहानी जो है वो हमें वो ज्ञान दे देगी कि आप किसी के मन के अंदर झांक कर कैसे देख सकते हैं। अगर सुहानी से आप पूछेंगे तो दसियों बार पूछिए, दसियों बार ये एक ही जवाब देंगी, मैं अपनी कला कैसे बता दूं। और मैं उन लोगों को एक और चीज कहना चाहता हूं। हाँ। अगर आप सुहानी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले ले तो इनके सारी चीजें फेल हो जाएंगी, ये जानती हैं, है ना? देखो मैं कभी नहीं कह रही कि मैं चमत्कार करती हूं। ऑनेस्ट, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कर दूं, कोई रैशनलिस्ट आ जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ ट्रिक। कक्कर साहब, कल भी सुहानी ने, आई वाज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, आई डिड इट, कभी भी उसने कल बार-बार, इनफैक्ट मैंने दो जगह ये कहा कि ये आपके दिमाग के भीतर घुसेगी, लेकिन सुहानी ने कहा कि नहीं, हम दिमाग के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सुहानी 9 साल आपने क्या प्रैक्टिस की, जल्दी से एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं गोवा में क्लिनिक चलाती हूँ, सुहानी माइंड केयर के नाम से चलाती थी, 9 साल तक मैंने वो करा है, उसके बारे में और भी बातें करते हैं आगे। हाँ, पहले धीरेन शास्त्री का ये आप एक एपिसोड देख लीजिए। बहुत परेशान हूं। ये जरा माइक शार्प करना, मतलब स्पष्ट में, आप पढ़ी लिखी हो? अच्छा, कम, अच्छा, नदी का जाओ थोड़ा, नदी माँ, परिवार, यहाँ देखो, परिवार, चश्मा लगा लो, परिवार ठीक रहेगा, पति को आपके ब्रेन में दिक्कत बन गई है जिससे भूल गए हैं, शरीर में इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ध्यान नहीं रहता, घर पर कृपा होगी, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। हमने 3 बातें लिखी आपको पति के लिए, घर पर उपाय करना है, घर पर आपको गंगा जल कटोरी में रखना है, एक इसमें जो ये मंत्र ये वाला लिखा, ओम एम, अब पूरा नहीं पढ़ना है, इस मंत्र को 108 बार बोल के फूंक लगाकर और उनको रोज पिलाना है। तो ये 9 साल जो गोवा में आप कर रही थी वो यही कर रही थी अभी आपने जो? मैं ये नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, पर अभी आपने देखा ये उनके सामने जो बैठी थी जो महिला, हाँ, उनके जीवन में तकलीफ है, हमारे इंडिया में वो, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी महिला है जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, क्योंकि इंडिया में आज भी माना जाता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, और मेंटली प्रॉब्लम होना यानी कि आप पागल हो और वो नीचा देखा जाता है। मेंटली प्रॉब्लम होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई फील एवरीबॉडी नीड्स टू गो टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है, दैट्स समथिंग आई बिलीव इन, क्योंकि सबकी लाइफ में अगर आपको किसी को बोलने को मिलता, आप अपना मेंटल स्पेस ठीक रखोगे।
अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए, इट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। पर वो महिला ऐसी थी जो आई फील कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती, तो अगर उनको अपने हस्बैंड के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो बाबा के पास गई। अब बाबा तो हमारी दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? उम्मीद। वो मंत्र नहीं था, वो उम्मीद थी, और उम्मीद में तो जादू है ही ना। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूं, मेरा पावर ऑफ थॉट्स, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है, हमारे विचारों से तो हम दुनिया बदल सकते हैं। और उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, जब एक आदमी वल्नरेबल होता है, बाबाओं के पास जाता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो जो सरेंडर कर देता है, जैसे सुहानी ने कहा, जो उम्मीद दिखती है, जो पॉजिटिव वो चीजें बोलता है, ये ठीक हो जाएगा वो। और अगर आप देखें, मैं इनको मैंने देखा है, ये नहीं कहते जो आदमी आ रहा है वो खुद परेशान है, उसके आसपास के लोग कोई ना कोई परेशान है और उनकी वजह से वो आदमी खुद परेशान है। तो ये जिस तरह से ये पूरी गेम खेल रहे हैं, इन्होंने भी, जैसे सुहानी ने बहुत प्रैक्टिस करी है, इन्होंने भी ये पूरे खेल के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी होगी, और उसके बाद जाके ये इनका रिजल्ट सामने आ रहा है। जिसमें मैं तो 2-3 दिन तो मुझे खुद बड़ी परेशानी हुई कि मीडिया भी इनकी भक्त बन गई थी। मैंने कुछ न्यूज चैनल्स देखे और वहां पे वो डंके की चोट पे बाबा बाबा बाबा, मैंने कहा यार ये तो हमारे देश का क्या होगा, हम लोग को आगे जाना चाहिए कि हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे। नहीं, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज जो है उसने ये ठानी और ये माना कि जो कुछ ये कर सकते हैं वो एक मेंटलिस्ट भी कर सकता है। बाजी बदल लिया बोले। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ, तो क्या मेरी मेंटल साइकोलॉजी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि मैं मीडिया फील्ड में आ सकती हूँ? ओहो, आप फॉर्चून टेलर भी बनी है। देखिए, यही तो गड़बड़ है। आप, अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुहानी आपको क्या बता देंगी? मैम, मैंने इनका संदीप महेश्वरी वाला शो देखा था। हाँ? उसमें इन्होंने, मतलब कि एक लड़की क्या माइंड में गाना सोच सकती है, वो इन्होंने तुरंत डिडक्ट कर दिया था। तो बस मैं इनसे ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी मेंटल साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैली। शैली, आप मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ रही है आपके भविष्य के बारे में। आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं एक एंकर बनना चाहती हूँ कि क्या मेरे में वो काबिलियत है, क्या मेरा मेंटल और बॉडी में, क्या मेरा मेंटल और फिजिकल अलाइंड है टू बिकम एन एंकर, ये आपका सवाल है। इसका जवाब कौन दे सकता है शैली? आप मुझे बताओ, कोई नहीं बताएगा। शैली, आप खड़े हो जाएंगे एक बार, जल्दी बताइए, आप मेंटली कैपेबल है कि नहीं टू बिकम एन एंकर? मैम, शैली, इसका जवाब कौन बता सकता है? मैं, ऑब्वियसली। That's it. तो जब आपने इनसे पूछा, आप अपने ऊपर डाउट कर रही हैं। That's it. और अगर आपको पूछना चाहिए ये सवाल इनसे नहीं, आपको ये सवाल रूबिका से पूछना चाहिए, यहाँ के प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए। See, please understand. तो फॉर्च्यून, क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल है। You are a professional. Absolutely. You will be able to tell. I can't say anything about it. She won't be able to say. ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या था? सेम यहाँ पर बच्चे बैठे हुए जो आप सब समझ रहे हो। जब हमने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बोला, मैंने देखा चलिए, आपने हाँ बोला कि हाँ ये होता है, आपने अब सब समझे क्या हुआ हम बोले, फिर भी आपने एक ऐसा सवाल पूछा क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों में समझ नहीं है यार, लेकिन उनको उम्मीद अगर दिख जाए कि यार क्या सुहानी मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता सकती है। रीइंफोर्समेंट, करेक्ट, रीइंफोर्समेंट मतलब शी वांटेड टू हियर फ्रॉम हर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा चैलेंज है, आप उसे स्वीकार कीजिए, आपकी सिद्धि को फिर कोई तोड़ेगा नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या किया बाबा ने। वो जो मूंछों वाले बैठे ना, इनको भेज दो, आओ तुम्हारी अर्जी आ गई। वो खड़े हो रहे, जो खड़े हो रहे, हाँ हाँ हाँ, सहारा करके दे दो, जो यही मैं हूँ बात करने तुम्हें। तुम्हारी पाँव की नस में दिक्कत है, तुम्हें लकवा लग गओ, लकवा लग गओ, लकवा के कारण चल नहीं पाऊता, सुन्नपन बनो, दर्द बनो। कन्हैया आठे से, कन्हैया आठे, जौन दिन भगवान कन्हैया को जन्म मनाओ जा, ओई दिना से दिक्कत है तुम्हें, जन्माष्टमी से आराम लग जे है आशीर्वाद। चलबे में दिक्कत हो, सुन्नपन है, समझ में नहीं आउता क्या दिक्कत है, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ। राम, फिर से बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम। सुहानी, देखा आपने जी, ये एक शख्स को की बॉडी काम नहीं कर रही थी जी, पैरालिसिस मेरे ख्याल से हो गया था जी,
और वो उन्होंने कहा बोलो सीताराम, अपने बदन को छुओ, फिर माइक में उन्होंने फूंक मारी और मेरे ख्याल से वो आदमी उठ खड़ा हुआ या थोड़ा चलने फिरने लगा। ये कैसे कि आपने किया है कभी ऐसा? अगर आपने हिप्नोसिस सुना है, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या, ठीक है, पर वो करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गए, वो करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो भी बोलेंगे ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गए। हिप्नोथेरेपी का मैंने पूरा क्लिनिक चलाया है गोवा में 9 साल तक, मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हुए, जहाँ पर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका मतलब जो पैरालिसिस में होंगे या जिनका कोई और इशू होगा, और तब जब उनको सजेस्टिव, जिसे हम बोलते हैं सजेशंस देना किसी को, एफर्मेशंस पे काम करना, विच इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ इट, पर वही चीज़ आप एक हिप्नोटिक लेवल पे करते हो, इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेम थिंग यहाँ पर है, और यहाँ पे मैं ये बोलूंगी वो थेरेपी नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था, श्रद्धा, उम्मीद। अगर आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, आप मेरे पास आते कि सुहानी ही मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। आकाश, अब तक आप क्या समझे हैं? पहले मैं जो भी बोलूंगा, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को जज ना करा जाए। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है कि जहाँ देखो वही छाए हुए हैं, मतलब खतरनाक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री। मुझे लगता है ना ये सब देखो टोने टोट के, और ये जो सुहानी जी कर रही हैं काफ़ी टाइम से, मैंने इनका देखा एक वो पानी वाला, तो बेसिकली ये जो सब है ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फ़ायदा उठाना, उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना, मुझे यही लगता है। मुझे लगता है ये कोई चमत्कार नहीं है। दिव्य शक्ति अगर है तो उसके बारे में वो बताएं, उसकी प्रक्रिया बताएं कि क्या करते हैं वो, कहाँ से लाते हैं और कैसे वो उस पर्चे पर लिख लेते हैं सब कुछ। तो मैं तो यही जानने की कोशिश में हूँ कि आखिर कब बताएंगे वो, कब खुल के सामने आएंगे और कब अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं? मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं करते जो ये साइंस है प्रॉपर, टेलीपैथी, मेटलिज्म, ये सब तरह तरह की चीजें हैं। टेलीपैथी अलग चीज होती है, मैं बस, टेलीपैथी इज वेरी डिफरेंट। ये जो आप माइंड रीडिंग वगैरह कर रही हैं जी, इस तरह से वो उन्होंने भी साइंस की, पर आपने तो बहुत देखा होगा ना, हमने इतना दिखाया तो आपने देखा ही होगा। मैंने बिल्कुल देखा है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना कि उतने बड़े मंच पे सामने वाला बंदा झूठ भी नहीं बोल पाएगा। अगर वो कुछ किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि यार आपके मन में मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं, तो वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज, जो अभी आपने पर्टिकुलर सीन दिखाया है ना, वो जो वो बोल रहे हैं और पैरालिटिक था, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, ठीक है। इसमें जब आदमी इतने सारे लोगों के सामने होता है और ऐसे होता है, उसमें देखा गया 5-10% इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे आपने कहा थोड़ा चलने, पर वो बहुत मोमेंटरी होती है। इसमें जब एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, जब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत अलग चीज होती है, 3-4 दिन के अंदर जब फिर से देखा गया तो वो आदमी बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन था, जो हकीकत में जितना उसको प्रॉब्लम पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल वहीं की वहीं थी। तो कहने का मतलब है जब आप इतने सारे लोगों के सामने बैठे हो, कोई कन्विक्शन, अब देखो सुहानी में सबसे इसका एक्स फैक्टर क्या है, कन्विक्शन। जिस कन्विक्शन से बोलती है, सामने वाले को लगा नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो चीज है, तो 50-70% तो गेम इसकी कन्विक्शन है, कि जिस कन्विक्शन से आप बोलो, और वही आपके जो बाबा जी हैं वही कन्विक्शन वो करते हैं। तो जब सामने वाला जो वल्नरेबल है, जो ठीक होना चाहता है, जो उम्मीद के साथ आ रहा है, जब उसको ये कन्विक्शन से बोला तुम हाथ उठा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, करोगे तुम, क्यों नहीं करोगे, कन्विक्शन जब आएगा तो थोड़ा बहुत देखा अभी हिलाया था ना इसने, अभी कोई बात नहीं, ये मंत्र लो, ये पढ़ो। अब भाई मंत्र लेके घर पे कौन देखने जा रहा है कि अब उसका हाथ या पैर कितना चल रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जो भक्त है उसके ऊपर, कि बाबा ने बोला है तो करना पड़ेगा किसी तरह। दोनों तरफ परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, बस एक सेकंड आकाश जी, मैं फिर कह देती हूँ, आकाश जी ने जैसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग यहाँ पर देने की कोशिश की, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, हालांकि उनको कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। प्यारी समझ गई, यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हर किस्म की विचारधारा आपको यहाँ पर मिलेगी, और जब ये मैं कह रही हूँ तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। नजदीक आई है, कहाँ से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर, वाह, पहली बार आए हैं? चौथी बार। बोलिए क्या बात है, क्या हम दूसरों की बात कर रहे हैं? पापा की तबीयत खराब है।
और सिस्टर की अभी शादी, लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी, नारियल बांधा है, दो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं, वो तो दर्द के मारे अभी कह रहे थे दवाई की। हाँ, तो परेशान है पिताजी, बीमार, आपका मन स्थिर नहीं रहता है। पिताजी की अर्जी पूर्व में लग गई, नस में दबाव ब्लॉकेज बना हुआ है, उठ बैठ नहीं पाते, चलने में समस्या बनी। माइक नजदीक करिए, चलने में समस्या बनी है। सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार यहाँ लाना है, दो बार आ चुके हैं पापा, दरबार पर्चा के बाद एक बार भर लाना, बाकी पेशी आप कर सकते हैं, बीच बीच में वो भी आ सकते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। और ये देखिए सुहानी तैयार है अपने एक चमत्कार के साथ, सो कॉल्ड चमत्कार के साथ। सुहानी भाई क्या करेंगे आप बताइए? और मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि ये चमत्कार नहीं है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, कुछ डिफरेंट करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे उस चीज को और बताओगे आप वो सबको, ठीक है। मुझे मत बताना, मेरे पास वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने कुछ कागज मंगाए थे, छोटा सा पेपर है, किसके साथ करें? कोई भी कर लो यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहती हूँ अगर आपके परिवार में कुछ है, आपके कोई प्रॉब्लम लिख सकते हो, किसी के बारे में लिख सकते हो, पर आप लिखो। हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि खाली हम पहले मैं करी थी सीधा माइंडेड करे, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट देयर आर मेनी वेज टू डू इट। तो मैं चाहती हूँ आप किसी भी चीज़ के बारे में उसमें लिखेंगे, ठीक है। आई कैन यूज द बोर्ड टू राइट, पर दिखाओ मत किसी को, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर। रूबिका देखो, आप मेरी आंखों में देखो रूबिका, क्यों मैं कैमरा तो वहां है ना, आप थोड़ी आंखों में इसीलिए देख रहे हो, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं उसको नहीं देख रही हूँ। नहीं देख रही भाई, देखो तो भी आपको भरोसा नहीं है, तो भी आप मेरे हाथों आंखों पे हाथ रख रहे हो। हाँ, नहीं देखेंगी ये दोनों तरफ से। क्या इनका नाम क्या है? नाम क्या है? सागरिका। सागरिका जी, मैं आपने पर्ची, हाँ पर्ची चर्ची जो जो मन करे। अरे वो पर्ची बोला, मैं पर्ची फोल्ड, पर्ची फोल्ड कर दी। दिखाया आपने किसी को? दिखा दो, दिखाना है तो, मतलब इसलिए तो आपको लिखवाया है, देखा है, ठीक है। ये जो पर्ची आपके दो मुझे, ये आपकी पर्ची है, मेरे को नहीं पता आपने, मैं नहीं देख रही, मैं इसको फाड़ के फेंक रही हूँ, और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि मुझे पता हो नहीं कि उसने क्या लिखा है। नहीं अभी तो नहीं, ठीक है ना, अभी तो नहीं। कक्कड़ साहब जल्दी, नहीं नहीं नहीं, बताया साहब को तो पता है, मैं बोली नहीं रही सर कि ये जादू है कि कुछ है, ये तो कला है। अभी ये तो नहीं पता है कि क्या लिखा है, ये तो नहीं पता, ये तो एक कला है, ट्रिक है। मैं ये बोर्ड से, हम थोड़े से ना, मैं चाहता हूँ आप अपने मन में इसके बारे में सोचे। इनकी भी शक्ल दिखाओ यार थोड़ी, चेहरे स्क्रीन पे ये और मैं दोनों होने चाहिए। हाँ ठीक है, आप मुझे देखो यार, आप स्क्रीन कॉन्शियस मत हो क्योंकि तो आपको मन में वो सोचना है, आपने किसी चीज के बारे में लिखा है। जहां तक मैं समझती हूँ आपने एक शब्द नहीं लिखा है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अरे यार क्या नाम बताया आपने आपका? सागरिका। आप हिंदी में सोच रहे हो अभी, मतलब आपने लिखा भी हिंदी में होगा। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी, स्कूल हम कम गए कोशिश करेंगे। फर्स्ट तक पढ़ी है हाँ ये बस, और इसीलिए फर्स्ट है सब में। मत बोलो ये लोग स्कूल छोड़ के निकल जाएंगे। हाँ नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। हाँ यू वांट टू टेक योर टाइम, मतलब देखो क्या दो चीजें होती, एक तो होता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए करें, एक होता है जब ये बात सीरियस हो जाती है। जितना मैं समझ रही हूँ आपका, जो अभी आपने जो सोच रहे हो आप, जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग, इट्स अ सीरियस थिंग, करेक्ट। आपके घर में किसी को तकलीफ है? पिताजी नहीं है ये, माताजी नहीं है, रो मत, आराम हो जाओ, ये काम हाथ। आपकी दादी जो है, जो बीमार है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, और जितना समय है आपके साथ खुशी से बिताएंगे, ठीक है। आपको रोना नहीं है, आपको खुश रहना है और अपनी दादी को खुश रखना है। उनके सामने कैसे जाओगे? बस वो कहना है, ठीक है।
एक सेकंड, ये तो इन्होंने कहा है। क्या नाम है? सागरिका। क्या लिखा था आपने? कि दादी की तबीयत खराब है। ये पढ़ा था आपने? हाँ, मैंने ये पढ़ा था। इन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स में लिखा था, जो वर्ड्स आपने बताए। एक बार वापस। हाँ, क्या एग्जैक्टली जो सुहानी मैम ने बोला वही वर्ड्स है, डिट्टो के डिट्टो वैसे लिखे थे। बट मैं सच में जानना चाहती हूँ उन्होंने कैसे किया। काकर साहब देखिए, ये तो ये बिल्कुल, यहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई है। द रीजन मैं बताती हूँ। एक सेकंड सुहानी, प्लीज। मैं नहीं बोलूंगी। हाँ काकर साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है, आपको बोलना पड़ेगा। सी, इट इज अ प्रोफेशन, है ना? इट इज अ प्रोफेशन। दैट्स फॉर, आपने पकड़ लिया। आई वांट यू टू रिस्पेक्ट इट। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट इट, दैट वाज नॉट सेइंग। हाँ? चले, आपने पकड़ लिया। अब मैं अगर आपको दो तीन चीजें बोलूं, हाँ? कि वो जो पर्चियां फाड़ी हैं, क्या उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, लिखा हुआ है सर। पर्चियां कहाँ है? सारी पर्चियां है सर, वहीं पर है। येरी येरी पर्चियां निकालो भाई, पर्चियां दो मुझे। ला दो सारी पर्चियां। एक बार बिना फाड़े कर दीजिए ना। उन्हीं को, उन्हीं को, उन्हीं को सारी पर्चियां ला के दे देते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ये करें, हाँ, एक और के आपके हाथ में, हाँ? कुछ नहीं दिया जाएगा, हाँ? इनके हाथ में जो लिखे वो उन्हीं के पास वहीं तक। अरे मैं कह रही हूँ, पहले ये तिलस्म तो सॉल्व कर दीजिए आप। एक सेकंड, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, सुहानी, पहले ये तिलस्म सॉल्व होगा। ये कैसे हो गया भाई? मेरे को बोलने नहीं देता। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। ऐसे देखो, इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, और मैं आपकी बात को बोलूंगी सर। व्हाई डू आई ऑलवेज से कि आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? एक तो पहली बात, मैं बिना लिखा, मैंने बहुत बार, मैं बिना लिखा ही करती हूँ। क्यों मैंने लिखाया? क्योंकि बहुत बार कल मेरे को भी मैसेजेस आए कि शायद सुहानी कुछ भी बोल रही है और सामने वाला उसको हाँ किया जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी बोल देती, आप हाँ बोल देते, लेकिन इस बार तो आपने पहले लिखा और सबको दिखा कि मैं यही सोच रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलती तो आप हाँ बोल देते, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपको लिखवा रही हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं बार बार, मैं ये करा आपके साथ, किया आप लोगों के सामने किया, पर मैं देखो सर को कितना डाउट है मेरे पे, चिट्ठियां चेक कर रहा हूं। डाउट सॉल्व कर दीजिए ना। नहीं, इसके इसके अंदर जो मुझे, देखिए मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैंने कभी किया है। नो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बट मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी दोस के आप कैसे क्या कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। You know what is the most beautiful part, sir? जो वहाँ पे इन लोग साथ में सोच रहे हो। एक सेकंड, आप सबको मुझे वक्त देना। आप पहले, मैं इजाजत ले लूँ बहन तुमसे? ब्रेक ले लूँ? हाँ, ले लो, ले लो, आप पे भी कृपा बनी रहेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है, लोग बनते रहेंगे। आप बताइए, मैं क्या करूँगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।